मैं राजेश भारत एसएमसी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश चेयरमैन, मेरा ऐसा एक दायित्व है और प्रवक्ता एसएमसी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश और जिला सिरमौर का अध्यक्ष राजेश भारत जी, आज यहाँ पे सचिवालय के बाहर आप लोग पहुंचे हैं, क्या क्या आपके डिमांड है, इसको लेकर आज आपको सचिवालय पहुंचना पड़ रहा है यहाँ पे सैकड़ों से? हमारी जैसा कि आप सभी को बीती दिन होगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग दुर्गम क्षेत्र में लगभग 2012 से 2555 अध्यापक कार्यरत है और समय समय पर सरकार से अपनी मांग को उठाते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लगातार 5 सालों से संपर्क साधे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हर बात पर हर बार आश्वस्त किया है कि आपके लिए जल्द ही स्थायी नीति का तोहफा देंगे, पर आप आश्वासन से पेट नहीं भरता। आश्वासन कब तक चलेगा ये मेरे 2500 अध्यापक बंधु पूछते हैं, इसलिए 2555 में से आज लगभग 1500 अध्यापक बंधु यहाँ पधारे हैं। कुछ अध्यापक बंधु किसी कारणवश नहीं आ सके, बारिश जैसा मौसम भी खराब है, परंतु 1500 जो अध्यापक आया है अपने परिवार से सहित है, अपने बच्चों को साथ लेकर कहीं आए हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर आए हैं कि अगर पीटीए पैट पैरा के लिए स्थायी नीति बन सकती है तो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में 2555 अध्यापक बंधुओं के लिए क्यों नीति नहीं बन सकती। आज हम यहाँ हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन नहीं चाहते, हम सीधी बात चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बोले कि आप जाओ आराम से घर जाओ और आपका 10 दिन के अंदर अगली कैबिनेट में काम हो जाएगा। हम सीधी बात चाहते हैं क्योंकि आश्वासन बहुत, आश्वासन 5 साल से हम सुनते आए हैं, आश्वासन से पेट नहीं भरता। 10,000 से गुजारा नहीं होता है, बिना छुट्टियों के आप गुजारा नहीं होता है। समाज में एक शिक्षक वर्ग सबसे सम्मानित वर्ग होता है, किसी भी कंट्री में आप जाए, किसी भी देश में जाए, वहां अध्यापकों का एक सम्मान होता है, पर एक अध्यापक वर्ग शोषित और वंचित अध्यापक वर्ग है हिमाचल प्रदेश में, वो है एसएमसी अध्यापक वर्ग। तो लंबे समय से 10 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, वंदे मातरम, वंदे चेयरमैन